हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर यू पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यूथ ट्वेंटी फाइव ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गि मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक एवरी वन बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा एक पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है और कुछ पार्ट इसका जो है वो आपको गवर्नेंस में टच होता हुआ दिखेगा राइट पर मेजरली ये जो पार्ट है ये पॉलिटी का ही पार्ट बनेगा हम प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं न्यूज में इसलिए आया था कि एक पर्टिकुलर कोई केस है राइट जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई लैंड जो है उसको सरकारी यूज के लिए जो है ले लिया था उनसे राइट इस पूरी चीज को लेके कि कैसे एक्विजिशन होती है कौन कौन से राइट हैं जो कि एक लैंड ओनर के पास में है प्रॉपर्टी ओनर के पास में है उन सारी चीजों को अभी हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है आज का बच्चे ये आपका बोथ प्री एंड मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अगर प्री के अंदर कोई सवाल इसका आता है तो वो एक इजी क्वेश्चन नहीं होने वाला राइट वो एक स्लाइटली टफ क्वेश्चन में आएगा इसलिए आज का मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ना उस तरीके से कवर करवाऊं कि आप एटलीस्ट इसके जो क्वेश्चन है उसमें आप फसेंगे नहीं राइट आइए बच्चे देखते हैं so, तो क्या है प्रॉपर्टी राइट्स का जो हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल भी देखने पड़ेंगे राइट टू प्रॉपर्टी को लेके वो तो खत्म हो गया था राइट टू प्रॉपर्टी एज एब्सोल्यूट राइट वो हमारा खत्म हो गया था राइट लेकिन फिर भी राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास में है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर है राइट और खासकर तब हमारे सेवन न्यू राइट जो है वो आपके एक्टिवेट होते हैं जब आपकी लैंड जो है वो एक्विजिशन होती है लैंड जो है उसको एक्वायर किया जाता है थ्रू दी स्टेट्स है ना चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो कोई भी अगर कर रहा है तो उस केस के अंदर आपको सेवन राइट्स जो हैं वो भी आपको जो है मिलते हैं वो वो भी हम आज देखने वाले हैं स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड वेन द स्टेट एक्वायर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी एंश्योरिंग फेयर प्रोसीजर्स एंड प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी ओनर्स राइट्स

स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट आपका ये मानवीय अधिकार भी है और आपका साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right भी है राइट right? ये आपका सीधा सीधा जो है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ना बच्चे ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये आपकी इस इस मायने में अगर हम देखें

प्रॉपर प्रोसीजर्स क्या हैं वो भी हम देख जो साथ में आपको राइट्स बता रहा था ना वो वो इसके अंदर कंपलसरी uh, एक्विजिशन uh, के अंदर वो सात राइट्स right एक्टिवेट होते हैं अगर वो उनमें से कोई भी राइट right आपका हटता है राइट right, तो वो हम पूरी एक्विजिशन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर देंगे द कोर्ट लेट लेट आउट एसेंशियल प्रोसीजरल राइट दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाई द स्टेट मस्ट भी तभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाई द स्टेट बिफोर डिप्राइविंग एन इंडिविजुअल ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट right? और खासकर अगर आपकी वर्ल्ड uh, की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो आपको खासकर इन चीजों का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा प्रोसीजर्स का ध्यान खासकर रखना पड़ेगा राइट right? कौन कौन से वो आपके जो मैं आपको बता रहा था जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट जो आपके एक्टिवेट होते हैं राइट right? वो प्रोसीजरल राइट जो है वो क्या चीज है फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर प्रोसीजर रिक्वायरमेंट आर्टिकल तीन सौ ए थ्री हंड्रेड ए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपने पढ़ा भी होगा आपके स्टैटिक पार्ट का ये जो है ना आप किताबों में पढ़ते हैं इसको ये स्टैटिक है आपका आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए प्रोहिपिटन प्रॉपर्टी विदाउट फॉलोइंग फॉलोइंग्लाइज दाइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पिज एंड कंपनसेट दैंड एक्विजीजन को हम तभी मानेंगे वैलिड है कि अगर वो किसी पब्लिक वर्क के लिए आ रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह यूज होगा वो वो पब्लिक पर्पिस के लिए यूज होगा राइट

राइट टू बी ड्यूटी स्टेट टू हिस्टर ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इन्फॉर्म दर्सन ऑफ इट डिसीजन टू एक्वायर है ना रीजन के साथ में राइट ड्यूटी टू एक्वायर ओनली फॉर पब्लिक पर्पसिस राइट यह मैंने आपको पहले बता दिया कि सिर्फ पब्लिक पर्पज uh, के लिए आपका ये लैंड होना चाहिए इसके अलावा और नहीं ये नहीं कि प्राइवेट से बेच के प्राइवेट से खरीद के प्राइवेट को किसी को और को बेच दिया गवर्नमेंट ने एक्विजिशन ले ली इट शुड भी आपका कोई हाईवे बन रहा है राइट right? कोई स्टेट का कोई और प्रोजेक्ट बन रहा है डैम वगैरह बन रहा है कोई इस टाइप की जो चीज है उस उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पर्टिकुलर न्यूज जो है ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ये चीज द राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन और फेयर कंपनसेशन राइट द राइट टू एन एफिशियंट एंडियस

पूरी तरह जो है आपको समझ में आएगा कि आपके पास में कौन कौन से जो आ, आपके प्रोसीजरल राइट्स हैं वो जो एक्टिव होते वाले हैं राइट दिस इज समिंगल थ्री हंड्रेड यून टेक्रीन शॉट ऑल्सो राइट एंड फॉर टूडे दैट इज ऑल सेवन मिनट टू सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IA's Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of Current Affairs. Number three, weekly tests on Current Affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se, jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made, Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.